इसके लिए मैं सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का, अमित शाह जी का, केंद्र के सभी वरिष्ठ नेताओं का, केंद्र के संगठनकार, विशेष तौर से हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी का, ओम प्रकाश धनखड़ का धन्यवाद करता हूँ कि पूरे हरियाणा का सर्व अनुसूचित जाति समाज एक मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को जो राज्यसभा में भेजा है, इसके लिए पूरे हरियाणा प्रदेश का सर्व अनुसूचित समाज हमारे केंद्रीय संगठन का और प्रदेश संगठन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कुलदीप बिश्नोई जी को पार्टी से निष्कासित कर दिया है, किस तरह देखते हैं और जो वर्किंग, क्योंकि देश के अंदर प्रदेश के अंदर जब कोई पार्टी के अंदर कोई संगठन ना हो और जिस पार्टी का नेता देश को उच्च विकास की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से आगे ले जा रहा हो, कुलदीप बिश्नोई ने एक बात कही है कि आज के हालात को देखते हुए सभी प्रतिनिधि अंतरात्मा से वोट दें, तो उनकी अंतरात्मा ने माना कि आज कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट देना ठीक नहीं है। निश्चित तौर पर जो हमारा विदेश जाने की बात हो, जो कार्तिक के की बात हो, जो हमारा निर्दलीय उम्मीदवार था बाबा अपने साथ किया था, उसके बाद बीजेपी में आएंगे सर, अपना जो है करियर शुरुआत, कोई कसम कस नहीं चलती रही, क्योंकि जो कि चुनाव का वोटिंग हुई, वोटिंग के बाद उसके बाद इलेक्शन कमीशन से जब तक परमिशन ना आए तो काउंटिंग नहीं करा सकते, उनके के आने के बाद काउंटिंग हुई और काउंटिंग के अंदर जिस प्रकार से वोटिंग हो रही थी उसमें बीबी बत्रा और किरण चौधरी पर हमने ऑब्जेक्शन दिया था, क्योंकि राज्यसभा के अंदर जब वोटिंग होती है तो कोई भी हमारा प्रतिनिधि केवल इलेक्शन का जो एजेंट होता है वो वोट पोल कर केवल उसको दिखाता है, बाकी को ओपन नहीं कर सकता, उनके हाथ में बेल्ट पेपर था जो दिखाया जा रहा था, इसलिए हमने पार्टी की तरफ से, मेरी तरफ से, पार्टी की तरफ से हमने ऑब्जेक्शन फाइल किया। लगता है बीजेपी में आएंगे सर कुलदीप बिश्नोई? रात माननीय मुख्यमंत्री जी, रात माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वागत किया है, उन्होंने तो 90-90 विधानसभा के प्रतिनिधियों का स्वागत किया है, आज जरूर थी राज्यसभा में, क्योंकि राज्यसभा में के अंदर कोई भी कानून पास होगा तो लोकसभा में पास होगा, इसलिए हरियाणा प्रदेश से जो सांसद जो आज राज्यसभा में गए हैं तो मोदी जी के हाथ मजबूत होंगे, माननीय मनोहर लाल जी ने स्वागत भी किया है, वो आए अपने साथ दूसरे साथियों को लेकर आए, तो भारतीय जनता पार्टी का वोट रद्द हुई है, पता चला कुछ एक वोट रद्द हुई है किस, उसके लिए कांग्रेस पार्टी की एक वोट है, उसका एनालिसिस कांग्रेस पार्टी करेगी, उसका हम क्यों करें, वो सामने है जिस कारण जो उनको ऐसा। मेरे मित्र, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है, जब भी आप अतीत की बात देखेंगे, जब भी असेंबली के चुनाव होते हैं, जिस प्रकार से चार दिशाएं होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये कांग्रेस पार्टी स्ट्रेटजी बना करके चार दिशाओं में एक एक मुख्यमंत्री खड़ा करते हैं, जिस भी इलाके में जाते हैं मुख्यमंत्री की बात करते हैं, आखिर में जब रिजल्ट आता है उनका जीरो होता है, आज चाहे केंद्र में चाहे हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपना जनाधार समाप्त करते हैं। सर आने वाले दिनों में नगर पालिका चुनाव है, कितना असर मानते हैं इसका? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक पार्टी है, हमारे पूरे देश में 18 करोड़ कार्यकर्ता है, हमारे पन्ना प्रमुख तक कार्य स्थापित हैं, तो निश्चित तौर पर जो भी नगर परिषद नगर पालिका के चुनाव हैं 100% उसमें बीजेपी के हमारे चैनल किए जाएंगे। सर आपको अगर मिल रहा है, पहली बात तो केंद्र की और हरियाणा प्रदेश में विकास की कोई कमी नहीं है, समान विकास केंद्र की सरकार की तरफ से, प्रदेश की तरफ से, माननीय मनोहर लाल की तरफ से किया जा रहा है, और कहा आपने किस प्रकार से कार्य करेंगे, मेरा कम से कम 25-30 साल का विधानसभा का अनुभव है, इसलिए मुझे राज्यसभा में जा कर के वहाँ समझने में कोई देरी नहीं लगेगी, मुझे लगभग सभी प्रोसीडिंग का, सभी क्या करना है, सारी चीज़ों का मुझे ज्ञान है।